जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको अश्वगंधा की वीडियो दिखाई, लेकिन उसमें बहुत लोगों ने कहा कि अश्वगंधा देसी वाला हर जगह नहीं उपलब्ध होता, क्योंकि बलुई मिट्टी में होता है। और इस समय युवाओं की जो है आम शिकायतें, शीघ्र पतन, नपुंसकता, ये सबकी आ रही, तो उसके लिए एक बहुत ही ब्रह्म वृक्ष है ये हमारे बरगद का पेड़। इसके देखिए इसमें फल आ गए हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगी। ये जो इसके फल हैं, इस समय ये फल लाल लाल कलर के हो गए हैं इस समय। इन फलों को जो तोड़ के आप रख लें, इनको सुखा लें छाया में और इनका चूर्ण बना लें, बराबर मात्रा में जो इसकी मिश्री ले लें या खांड ले लें और मिला के इसका सुबह शाम उपयोग करते हैं, एक एक चम्मच गाय के दूध के साथ, या सामूहिक उपयोग कर लें गाय के दूध के साथ में, तो आपकी किसी प्रकार की जो समस्या होगी यौन रोग वाली वह खत्म होगी। वीर और दांत को या पुष्ट करेगा और सभी चीज़ों में लाभ करेगा, शरीर को भी बलवान बनाएगा। तो इस समय यह फल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी समय होगा, कुछ दिन बाद या फिर नहीं मिले, क्योंकि इसमें पतझड़ हो जाएगा और जो है उसके बाद इसका दूध निकलता है। इसके दूध का प्रयोग बहुत बताया जाता है, जिसमें कहते हैं बतासे में भर के इसका दूध खाइए, या तो जो है उसको एक ही दिन तक खाया जाए, जो बहुत लाभ करता है। लेकिन मेरा मानना इसमें यह है कि जो है वो शकर की जो चाशनी सबसे टाइट चाशनी होती है वो बतासे में पड़ती है। उसमें कहते हैं एक तो आदमी पर डे जा भी नहीं पाता, जहाँ बरगद पेड़ उसमें दूध भरना, रोटली 7 दिन तक ऐसा करना वैसा करना, तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम को ये लगता है जो गरी का गोला होता है, उसमें आप इसके जो दिसंबर या जनवरी माह का होता है जो उसमें पतझड़ आता है, तो उसमें जो है उसके दूध पर्याप्त मात्रा में निकलता है। तो उस समय ब्रह्म मतलब 5-6 बजे सुबह के लमसम अगर जाएंगे तो पर्याप्त मात्रा में दूध निकले, उसको गरी के गोले में भर लें और उसको ऊपर बंद करके सुखा लें, उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। दूध का उपयोग है या इस समय तो फलों का है, तो दूध को छोटा सा टुकड़ा कर लें, उसको दूध के साथ लेने से वो उससे ज़्यादा बतासे से भी ज़्यादा लाभकारी होगा। लेकिन दोस्तों, इस समय इसके फल आ गए तो अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में या समस्या सुगंधा वो सब चीज़ें नहीं मिल रही, तो या पूरे भारतवर्ष में वृत वृक्ष या ऋषि वृक्ष या बरगद वृक्ष की जटाएं भी होती हैं कोमल कोमल, उसको भी इनके साथ ले लें, कोमल पत्ते ले लें, नहीं है तो ये फल ही ले लें। लेकिन इसका उपयोग करें, आप देखेंगे कि 20-21 दिन आप करके देखेंगे तो आपको इतना लाभ होगा। आप बड़ी बड़ी जो है दवाएं, ये तो नेचुरल है, गुलाबी कलर का, भगवा कलर का, और जो है प्राकृतिक गोलियाँ ही, ये ईश्वर प्रदत्त गोलियाँ हैं, इनका उपयोग करें। दुनिया भर के बाहर आडम्बरों से, अंग्रेजी मेडिसिन से, एलोपैथी से जितना हो सके उतना बचें और दूसरों को भी बचाएं और इनका अधिक से अधिक उपयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।